तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिल्डर हॉल 8 का अपडेट, जो कि ऑफिशियली क्लैश ऑफ क्लैंस की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सनी, लेकर के आऊं आप लोगों के लिए क्लैश ऑफ क्लैंस रिलेटेड एक और वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या देने वाले हैं सुपर सेल हमें बिल्डर हॉल 8 में, और ये अपडेट कब आने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने न्यूज के सेक्शन में। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट में 16 आवर्स एगो पहले ही आ गया है इंट्रोड्यूसिंग बिल्डर हॉल 8 करके। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका अपडेट। तो देख लीजिए, इन द लेटेस्ट कंटेंट अपडेट फॉर द बिल्डर बेस वी आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू लेवल, अ न्यू ट्रूप, अ न्यू डिफेंस बिल्डिंग अलॉन्ग विद सम माइनर बैलेंस चेंजेस हेयर व्हाट विल यू सी इन बिल्डर बेस अपडेट। तो ये लोग अभी का अपडेट में बिल्डर हॉल 8 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद अ न्यू ट्रूप, डिफेंस और कुछ बैलेंसिंग अपडेट के साथ। तो जो सबसे पहला बेस में नया है वो है सुपर पेका। तो देख लीजिए सुपर पेका के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लाइक हर होम विलेज काउंटर पार्ट द सुपर पेका इज ए स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मशीन समुराई नाइट पर्सन। हाउएवर व्हेन द सुपर पेका टेक्स फैटल डैमेज सी ओवर चार्जेस रिलीजिंग एन एक्सप्लोजन दैट डेसिमेट्स एवरीथिंग अराउंड हर। तो ये जो न्यू सुपर पेका है ये होम विलेज की तरह ही है, बट ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब ये फेटल डिफेंस, मतलब कि जब ये अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा डैमेज लेती है, नॉट फेटल डिफेंस, फेटल डैमेज, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर डैमेज लेती है या फिर इसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, तो ये एक लास्ट एक्सप्लोजन के साथ अटैक करती है, जिसे कि ओवरचार्ज कहते हैं। और नेक्स्ट नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे है मेगा टेस्ला। तो द मेगा टेस्ला इज अ डिफेंसिव बिल्डिंग दैट शूट्स पावरफुल बोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट ट्रूप्स डीलिंग हैवीली डैमेज। द मेगा टेस्ला चेन्स लाइटनिंग विल हिट द फर्स्ट टारगेट देन जंप टू द सेकेंड नियरेस्ट टारगेट। तो इसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो रेंज है मेगा टेस्ला का, ये 7 टाइल्स तक है और फिर ये जंप करके 3 टाइल्स और बढ़ जाएगा जब भी ये अटैक करना स्टार्ट करेगा। फिर इसके बाद सुपर, मतलब कि हीरो के लिए, जो कि है बिल्डर हॉल बेस में बैटल मशीन, उसके लिए 5 लेवल और बढ़ा दिया गया है। अनलॉक्स लेवल 5 इलेक्ट्रिक हैमर। तो 25 तक अब हो गया, पहले जो 20 तक था। फिर हर ट्रूप का न्यू लेवल बढ़ा दिया गया है, यानी कि लेवल इन्हें बैलेंस भी किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेस्ट बारबेरियन का लेवल 15 में प्लस 9 DPS एंड प्लस 27 HP, यानी कि डैमेज पर सेकेंड 9 बढ़ा दिया गया है और 27 HP भी बढ़ा दिया गया है, और लेवल 16 तक कर दिया गया है, जो कि पहले लेवल 14 तक था। तो सभी के लिए वैसा ही कुछ बैलेंसिंग अपडेट किया गया है, इधर आप देख सकते हो। और ये ड्रॉपशिप का जो है वो 10% बढ़ा दिया गया है हर लेवल में हिट पॉइंट। और जो एडिशनल बिल्डिंग्स मिलने वाले हैं उसमें एक एलिक्सर कलेक्टर, एक गोल्ड माइन, एक मेगा टेस्ला डबल कैनन, एक आर्मी कैंप, यानी कि टोटल 6 हो जाएंगे, एक हिडन टेस्ला, एक कैनन, एक फायर क्रैकर, 2 मिल जाएंगे स्प्रिंग ट्रैप, एक पुश ट्रैप और एक मेगा माइन। तो और जो एडिशनल अपडेट आया है वो है मेन बेस के लिए, जो कि है एक मोटर को अब हम गियर अप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ब्रिंग द मल्टी मोटर टू योर होम विलेज, यूज द मास्टर बिल्डर टू गियर अप अ सिंगल मोटर इन योर होम विलेज टू मेक एन इवन बिगर स्प्लैश विद अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम, रिक्वायर्स फ्री मास्टर बिल्डर एंड बिल्डर बेस मल्टी मोटर लेवल 8। तो यार इसके लिए हमें चाहिए होगा बिल्डर, मतलब कि मास्टर बिल्डर खाली चाहिए होगा, फ्री चाहिए होगा, और बिल्डर हॉल मेन विलेज का मोटर 8 लेवल का होना चाहिए, जो कि यार शायद टाउन हॉल लेवल 10 में ही अनलॉक होता है। और जो बैलेंसिंग अपडेट है वो यहाँ पे देख लीजिए, तो लेवल 12 का स्नीकर आर्चर का क्लॉक एबिलिटी 10 सेकंड से 8 सेकंड कर दिया गया है, और ड्रॉप शिप का सभी का HP 10% बढ़ा दिया गया, और वर्सेस बैटल का रिवॉर्ड मैक्स रिवॉर्ड चला गया है 5000 ट्रॉफी तक, यानी कि जो लोग ट्रॉफी पुशिंग करते हो वो लोग अब 5000 ट्रॉफी तक जा सकते हो। तो यार बस इस बिल्डर हॉल 8 के अपडेट में इतना ही आया हुआ है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय।